बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 1 फरवरी से होने जा रही है और ऐसे में बिहार बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि बिहार बोर्ड इस बार इंटर परीक्षा में सिर्फ यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी से इंटर और 15 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होने जा रही है। आनंद किशोर ने जो साफ साफ क्लियर कर दिया है कि छात्र को गेस पेपर छात्र जो है निर्भर हो जाते हैं कि गेस पेपर मार्केट से ले लेते हैं या मार्केट का मॉडल पेपर ले लेते हैं, उस पर छात्र जो है समय बर्बाद नहीं करें, वहाँ से पढ़कर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहां पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। तो कहां से क्वेश्चंस आएंगे, अंतिम समय में छात्र को क्या पढ़ना है, सब कुछ यहां पे बताया गया है। यही बता दें कि अगर आपके थोड़े बहुत कम मार्क्स हैं तो बिहार बोर्ड ने यहाँ पे कहा है कि 10% का ग्रेस मार्क्स जो है वो भी बिहार बोर्ड आपको देगी। हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी हिंदी इंग्लिश में या कोई भी भाषा विषय आप लेते हैं चाहे वो उर्दू है तो आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। अधिकतम 10% का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला बिहार बोर्ड ने यहाँ पे किया है। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, ऐसे में छात्र परेशान रहते हैं कि अंतिम समय में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, और इसी में वो गलती कर बैठते हैं जिससे परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं पाते हैं। और ऐसे में छात्रों को सबसे पहले बेकार सवालों से बचना चाहिए, यानी क्लियर कर दिया है कि अगर आप बेकार सवाल पढ़ रहे हैं और बेकार सवाल क्या है यह भी यहां पे बताया गया था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बोला गया है सबसे पहले छात्रों को करना क्या है कि छात्र क्या करते हैं, या तो वो गेस पेपर लेते हैं या क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं और उसी पर निर्भर हो जाते हैं, या क्वेश्चन बैंक की जगह मॉडल पेपर भी मार्केट से खरीद लेते हैं उसी पर निर्भर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ गेस पेपर या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन अधिकतर छात्र यही गलती करते हैं जिससे वे असफल हो जाते हैं और मन मुताबिक मार्क्स नहीं ला पाते हैं। यानी अगर आप भी ये गलती कर लिए हैं या कर बैठे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं था तो आपको घबराना नहीं है। अधिकतम मार्क्स लाने के लिए छात्रों को वैसे क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में आए। देखिए यहां पे बताया गया है कि 2024 में सिर्फ यही सवाल पूछेगी बिहार बोर्ड, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, यानी फालतू के सवालों से आपको बचना है। तो आपको बता दें कि अगर आप भी टेंशन में हैं कि अंतिम समय में बचा हुआ नहीं पढ़े, तो आपके लिए एक ऐसा असाइनमेंट दिया जा रहा है जिससे परीक्षा में बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। 5 दिन का भी समय बचा हुआ है तो आपको क्वेश्चन आंसर के साथ सारा दिया जा रहा है जिससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। यानी बस इतने दिन में आप जो है 400 से 450 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। तो अगर आप टेंशन में हैं तो टेंशन को यहाँ पे मुक्त कर सकते हैं और अपना रिजल्ट अभी भी आप सही कर सकते हैं, आपके पास मौका है। इसके लिए आपको करना क्या है, केवल 500 रुपीज में आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है कोई भी 3 सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस का लें, आर्ट्स का लें या कॉमर्स का लें, किसी भी मेन सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो आपको 500 में मिलते हैं। हिंदी इंग्लिश 300 में, लेकिन हिंदी इंग्लिश के साथ पूरा 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट लेते हैं तो आप टोटल का आपको 700 रुपये लगेगा आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी का, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे लेना कैसे है, अगर आप लेना चाहें तो आपको मिलेगा कैसे, तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप फ़ोनपे यूज करते हैं या गूगल पे यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं तो मार्केट से करवा सकते हैं। इस नंबर पे ही आपको पेमेंट करना है, जो नंबर दिखाया गया इस नंबर पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे आपको उसी टाइम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ दे दिया जाएगा, ठीक है, जिससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो जल्दी करें, इसका मौका का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो रिजल्ट के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना भी हाथ पर मारे जो कॉपी में लिख दिए हैं वही आपका नंबर आएगा। तो अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप टेंशन में हैं तो केवल 500 रुपीज में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, जो दिया जाएगा उससे बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप भी क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड हो गए हैं, गेस पेपर पर डिपेंड हो गए हैं, तो अभी उन्हें त्याग दीजिए, नहीं तो बाद में एग्जाम में आपको सोचना पड़ जाएगा कि हम क्या कर लिए, ठीक है। और आपको साथ ही साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए 1 शॉर्ट वीडियो इस चैनल के थ्रू दिया गया है, तो आप नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, 1 शॉर्ट का टोटल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। और आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।